हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पालक और आलू की ऐसी सब्जी बनाएंगे जो पालक नहीं खाते हैं वो भी पालक खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पालक और आलू की सब्जी। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पिंच ऑफ हींग डालेंगे। फिर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। फिर डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। फिर मैंने यहाँ पर 2 बड़े आलू लिए थे जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़े में कट कर दिया है, उसे भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से। आलू को तेल के साथ अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे। हल्दी को भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब मैं आलू के अंदर 1/2 कप जितना पानी डालूंगी। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो आलू थोड़े जल जाएंगे, इसके लिए मैंने इसमें 1/2 कप जितना पानी डाला है। अब मैं इसको ढककर धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने छोड़ देती हूँ। 7 से 8 मिनट बाद अब मैं इसको खोल देती हूँ। देखिए हमारे आलू थोड़े पक चुके हैं। अब मैं इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी और 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी। फिर मैंने यहाँ पर पालक लिया था, पालक को मैंने एकदम बारीक कट कर दिया है। अब मैं इसको भी कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी। फिर डालूंगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला। सारी चीजों को फिर से और एक बार मिला देते हैं। अब हम इसे 2 मिनट ढककर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम आंच पर। 3 मिनट बाद खोलकर देखते हैं। देखिए हमारी पालक और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।